बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। फेक न्यूज़ का हर तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर और इससे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर। फेक न्यूज़ का रुझान अब रोज़ बड़ोस बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सेटेलाइट मीडिया है, जो यानी कि न्यूज़ चैनल जिस तरह के जियो, एयरवाइज, समा, दुनिया, GNN वगैरह वगैरह वगैरह, इसके ऊपर भी फेक न्यूज़ का जो है एक सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी क्रॉस चेकिंग हो जाती है। लेकिन YouTube के ऊपर सोशल मीडिया का जो चर्चा चल रहा है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और कामयाब होता जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि जो आम आवाम है वो सच्ची खबर को देखने की बजाय झूठी खबर जो होती है उस पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, उस पर ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, उस पर ज़्यादा वो लोग पैसे कमाए जाते हैं। मैं उन तमाम यूट्यूब चैनल के नाम कभी नहीं लूँगा, बल्कि किसी एक का भी नाम शायद ना ले सकूं, क्योंकि उसमें डिफेमिंग का जो लॉ है यूट्यूब का, इसकी वजह से मुझ पर कोई स्ट्राइक आ सकती है, मुझे कोई कम्युनिटी की स्ट्राइक मिल सकती है, जिसकी वजह से मेरा अपने चैनल का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूं कि यूट्यूब चैनल्स जो कि झूठ फैला रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर, इंडियन मीडिया और इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है वो तो एक अलग मामला है, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूज़ के, जो इंफॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल्स है और वो झूठ फैला रहे हैं, किस तरीके से फैला रहे हैं, उसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स में यानी कि हालात हाजरा में, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, इस सब में अगर आप इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, इंफॉर्मेशन और न्यूज़ में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल डेली न्यूज़ टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चले बात करते हैं अब फेक न्यूज़ के हवाले से कि सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस यूट्यूब के ऊपर फेक न्यूज़ कौन कौन से चैनल फैला रहे हैं और इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। जब आप अपने YouTube के एप्लीकेशन को मोबाइल में ऑन करते हैं या कंप्यूटर पर ब्राउज करके YouTube लिखते हैं, तो आपके सामने बेशुमार वीडियोस आ जाती है। लेट्स सपोज अगर आपने देखना हो कि आसिफ अली जरदारी की सेहत कैसी है, आप लिखते हैं कि आसिफ जरदारी हेल्थ, आसिफ जरदारी डेथ न्यूज़, वेयर इज़ आसिफ अली जरदारी, या आसिफ अली जरदारी कहाँ है, सिंपली उर्दू में भी आप लिखते हैं, आपके सामने बेशुमार वीडियोस आ जाती है। तो आप सोचते हैं कि यार इसमें से मैं किसको क्लिक करूँ, आपका ये माइंड होता है कि मैं सिर्फ उसको क्लिक करूंगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। जाहिर सी बात है, जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे आप समझेंगे कि यही क्रेडिबल वीडियो है, मैं इसी को देखता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता आमतौर पर, ज़्यादातर जिस पर व्यूज़ ज़्यादा होंगे आपने देखना है कि उसका थंबनेल कैसा है। थंबनेल से मुराद जो उसका जो फर्स्ट साइट जो आपको फर्स्ट व्यू दे रहा है, जिस तरह के अगर आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थंबनेल होता क्या, जो आपको अभी उर्दू में कैप्शंस शो हो रही है, तस्वीरें लगी हुई है, तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई इस तरह ख़तरनाक किस्म की तस्वीर लगाई होगी तो जो आप समझेंगे कि यार ये तो कुछ ऐसा वाकया हो गया। हालांकि उस तस्वीर का उस वीडियो के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन होता ही नहीं। हालांकि ये एक टैक्टिक्स है, एक तरीकाकार है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लेकिन हमने इस तरीक़ेकार को बहुत गलत तरीके से यूज़ किया हुआ है। बल्कि गलत क्या, बल्कि एक बुरे तरीन बदतरीन तरीके से हमने इसके साथ इसका सत्यानाश कर दिया थंबनेल का। बहुत गलत चीज़ें इसके ऊपर लगाई जाती है, आम लोगों की तस्वीर उठाकर लगा दी जाती है। मैटर कुछ और होता है, थंबनेल कुछ और होता है, अंदर कुछ और बताया होता है और उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। एक और बात, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर YouTube वीडियोस का सबसे ज़्यादा व्यूवर जो है वो है जब थंबनेल में आपकी लड़की की तस्वीर होगी। अगर वो लड़की की तस्वीर कुछ बरहाना है तो उसको ज़्यादा देखा जाएगा। ये एक बदकिस्मती है या कुछ भी कह ले इसको, और इसका व्यूवर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ लोग इसको मजबूरी का उज़र पेश करते हैं कि यार ये हमारी मजबूरी है इसलिए हम ये काम करते हैं, क्योंकि YouTube चैनल बेसिकली बनाया ही इसीलिए जाता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, आप लोगों को खबर दे, आप लोगों को एंटरटेन करे, और एंटरटेन करके, खबर दे के, इन्फॉर्मेशन देकर आप उससे अर्निंग करें। आप YouTube आपको जाहिर सी बात है पैसे देता है, तो ये बात हमारी समझ में ज़रूर आती है। YouTube चैनल अगर मैंने भी बनाया हुआ है तो इसीलिए बनाया कि मैं अर्निंग कर सकूं, अपना रोज़गार चला सकूं, अपने घर का सिस्टम, अपना सिस्टम चला सकूं। और क्या मैं यहाँ पर बैठकर वैसे आप लोगों को भाषण देता रहूं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। या मुझे कोई प्राइवेटली स्पॉन्सर करता हूं, मैं इतना बड़ा कोई जो है व्लॉगर हूं या यूट्यूबर हूं, ऐसा हरगिज़ नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बाकियों को यूट्यूब ही इश्तिहार देता है। लेकिन हमारी असल बात यह है कि फेक न्यूज़,
मीडिया के अंदर आमतौर पर फेक न्यूज चलती रही, उसका क्रॉस चेक होता रहा। अब यूट्यूब जो कि एक ओपन सा फॉरम है, सोशल फॉरम है, यहाँ पर जो चूंकि कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो इसको पकड़ सके या उनको बुला के पूछ सके, अब पता नहीं वो बंदा किस मुल्क में कहाँ पर बैठा हुआ है और वो आपको गलत खबरें, झूठी खबरें दे रहा है और आपसे जो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में पता नहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा होगा, अब FIA या साइबर क्राइम के कोई इदारे उनको पकड़ भी नहीं सकते। लेकिन उनको पकड़ने का तरीका बहुत आसान सा है। आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, आप उसका एक दफ़ा थंबनेल देख लें, वीडियो को खोले, अंदर जाएं, देखें उसके अंदर क्या है। अगर ऐसा कुछ अंदर ना हो तो उस चैनल के ऊपर आप कभी भी ना जाएं, ना उस अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो उसको अनसब्सक्राइब कर दें। और इसका यही तरीका इससे बचने का। दूसरी अहम बात, अगर मैंने आपको कोई खबर दी है और अगर ये झूठी लगती है तो आप इसका बहुत आसान सा तरीका इस वक्त ट्विटर है। ट्विटर पर अगर आप जाएंगे और कोई भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में जाके शामिल हो जाएंगे, आप मेरी इन्फॉर्मेशन और ट्विटर की इन्फॉर्मेशन इन दोनों को मैच करेंगे तो मैच करने के बाद आपके पास जो खबर आएगी आपको पता लग जाएगा ये बंदा यहाँ पर झूठ बोल रहा है, यहाँ पर सच बोल रहा है, ये वाकई ये टोटली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सच्ची इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उन्हीं जो चैनल्स हैं इन्फॉर्मेशन के, जो झूठ फैला रहे हैं, जो गंदे थंबनेल्स बना रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा पसंद किया जाता है। लिहाजा आप लोग जो अच्छे लोग हैं, जो मैं नहीं अपने आप को नहीं कहता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती हमारी ये है कि वो हमारे नज़र से गुजरते नहीं, हमें पसंद ही नहीं है वो लोग, क्योंकि उनके थंबनेल में कोई लड़की नहीं होती, कोई ऐसी वैसी तस्वीर नहीं होती, कोई ऐसी कैप्शन नहीं होती जो अट्रैक्टिव हो, जो कैचिंग हो। तो लिहाजा आप लोग जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले चैनल हैं उससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको जैसे ही ये चैनल नज़र आए आप इनको रिपोर्ट करें, रिपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको अनसब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।